हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल हरी क्रिएशन में। तो दोस्तों, हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी खास होने वाला है। साथ ही साथ में हर वीडियो की तरह इस वीडियो में हमने मटेरियल टेलीग्राम में अवेलेबल कर दिया है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मटेरियल टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। चलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहले आपको दो चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो लाइट मोशन का लेटेस्ट वर्जन और दूसरा बिटमार्क और शेक इफेक्ट। दोनों के दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएंगे। आप उसे पासवर्ड डाल के अपने लाइट मोशन में इंपोर्ट कर सकते हो। पासवर्ड वीडियो में दे दिया है और लाइट मोशन का लेटेस्ट वर्जन भी बिना पासवर्ड के डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, आप सभी लोग पहले प्रीव्यू देख लीजिए, बाद में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको लाइट मोशन इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा लाइट मोशन में, तो प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। सॉन्ग बीट मार्क और चेक इफेक्ट आपको प्रीसेट करोगे इस तरह से दिखाई देगा। तो आपको सॉन्ग बीट मार्क ओपन कर लेना है। सॉन्ग बीट मार्क ओपन करने के बाद यहाँ बीट है और बीट पर आपको फोटो डालना है और फोटो में जो इफेक्ट लगाना है उसका नंबर भी मैंने दे दिया है, तो आप आसानी से इफेक्ट भी लगा सकते हो। तो आपको स्टार्टिंग वाले बीट पे आ जाना है, प्लस पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए और आपको एक बच्चे का जो ट्रेंडिंग स्टाइल जो सॉन्ग है उसका वीडियो ले लेना है। वीडियो पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए, फिर से यहाँ से वीडियो का साउंड ऑफ कर दीजिए। बाद में डबल बिट पे आ जाइए। डबल बिट पे आ जाने के बाद फ़ोटो ऐड करना है। फ़ोटो ऐड करने के लिए प्लस पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए, ऑल मटेरियल में टेलीग्राम में अवेलेबल कर दूंगा। तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, वीडियो पे क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए, फिर से फ़ोटो का पीछे का पार्ट कट कर दीजिए, फिर से प्लस पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए, फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए, फिर से यहाँ से कट कर दीजिए, फिर से प्लस पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए, फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए, फिर से फ़ोटो का पीछे का पार्ट कट कर दीजिए। दोस्तों, मैंने यहाँ फ़ोटो ऐड कर लिया है बीट पे। तो इस तरह से आपको सारे बीट पे फ़ोटो ऐड कर देना है। तो मैं वीडियो स्किप करता हूँ ताकि जल्दी से फ़ोटो ऐड कर लूँ। दोस्तों, मैंने सारे बीट पे फ़ोटो ऐड कर दिया है। अपने को डबल बीट पे आ जाना है जहाँ से फ़ोटो स्टार्टिंग हो रहा है। वहाँ जाने के बाद प्लस पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए, यहाँ से एक मैं ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट दे देता हूँ। ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो टेम्पलेट पर क्लिक कर दीजिए, फिर से टेम्पलेट पर क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए, फिर से लाइटिंग ओपेसिटी में आ जाइए, लाइटिंग पे क्लिक कीजिए, स्क्रीन कर लीजिए, टेम्पलेट का साउंड ऑफ कर दीजिए। बाद में प्रोजेक्ट स्टेटस का लास्ट वाला फोटो है वहाँ पे आ जाने के बाद टेम्पलेट का पीछे का पार्ट कट कर दीजिए। पार्ट कट करने के बाद अपने को शेक इफेक्ट फ़ोटो में देना है, तो उसके लिए आपको शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इफेक्ट नंबर एक, इफेक्ट नंबर दो, इफेक्ट नंबर थ्री, इफेक्ट नंबर चार, तो चार इफेक्ट देना है। तो यहाँ पहले फ़ोटो पर क्लिक कीजिए, इफेक्ट पर क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, कॉपी इफेक्ट कर लीजिए, फिर से सॉन्ग बीट में ओपन कर लीजिए। सॉन्ग बीट में ओपन करने के बाद डबल बीट पे आ जाइए जहाँ से फ़ोटो स्टार्टिंग हो रहा है। फ़ोटो स्टार्टिंग बाद में इफेक्ट नंबर एक है, तो यहाँ तीन फोटो है, तीन फोटो में यही इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो फोटो पर क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, कॉपी इफेक्ट कर लीजिए, फिर से दूसरे फोटो पर क्लिक कीजिए, इफेक्ट पर क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए, फिर से तीसरे फोटो पर क्लिक कीजिए, इफेक्ट पर क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए। जहाँ इफेक्ट नंबर एक लिखा है उसमें आपको सारे यही इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो मैं जल्दी से इफेक्ट पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो और टाइम वेस्ट।
तो दोस्तों शेक इफेक्ट दो नंबर का देना है, तो उसके लिए आपको शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। बाद में दो नंबर इफेक्ट का फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, कॉपी इफेक्ट कर लीजिए, फिर से सॉन्ग बीट मार्क ओपन कर लीजिए। सॉन्ग बीट मार्क ओपन करने के बाद डबल बीट पे आ जाना है। डबल बीट पे आ जाने के बाद इफेक्ट नंबर दो का फोटो है, उस पर फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए, फिर से फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, कॉपी इफेक्ट कर दीजिए, फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। बाद में दो नंबर इफेक्ट देने के बाद फिर से शेक इफेक्ट प्रोसेस पे आ जाइए। बाद में तीन नंबर इफेक्ट का फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, कॉपी इफेक्ट कर लीजिए, फिर से सॉन्ग बीट मार ओपन कर लीजिए। सॉन्ग बीट मार ओपन करने के बाद डबल बीट पे आ जाइए। डबल बीट पे आ जाने के बाद इफेक्ट नंबर तीन का फोटो ले लेना है। इफेक्ट नंबर तीन वाले पे फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। बाद में तीन नंबर का दे देना है। बाद में शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। बाद में लास्ट वाला चार नंबर का फोटो है, फोटो पर क्लिक कीजिए, इफेक्ट पर क्लिक कीजिए, कॉपी इफेक्ट कर लीजिए, फिर से सॉन्ग बीट मार ओपन कर लीजिए। सॉन्ग बीट पर ओपन करने के बाद डबल बीट पे आ जाइए। डबल बीट पे आ जाने के बाद चार नंबर का जो फोटो है वहाँ पर क्लिक कीजिए, फोटो पर क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पर क्लिक, सॉरी इफेक्ट क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। फोटो पर क्लिक कीजिए, इफेक्ट पर क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। फोटो पर क्लिक कीजिए, इफेक्ट पर क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। तो ऐसे दोस्तों आपको एक नंबर से लेकर चार नंबर तक इफेक्ट पेस्ट कर देना है, और इफेक्ट नंबर भी मैंने दे दिया है। तो जल्दी से मैं सारे फ़ोटो में इफेक्ट दे देता हूँ, जितना बाकी है उतने में सारे फ़ोटो में इफेक्ट पेस्ट कर दिया है। तो आपको सेटिंग वाला आइकन के पास में आ जाना है और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, तो स्टेटस बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा हमारा स्टेटस? तो दोस्तों ऐसी ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो हम लोग अपलोड डेली करते रहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता